अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट, CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस सीरीज़ के अंदर जो है वो हम जल्दी से मिड टर्म के लेक्चर्स कवर करेंगे, क्योंकि आपके मिड टर्म अब बहुत करीब है। 10 जून से जो है वो आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, आपने होप सो डेट शीट बना ली होगी, आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो हम जल्दी से इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर इन्होंने आपको एक फालसिम की थोड़ी सी बताया है कि वो क्या है, तो हम इसको ज़रा सा देखेंगे कि ये क्या है। उसके बाद इन्होंने आपको बताया कि आपके लेक्चर नंबर 1 है, पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले फालसिम को देख लेते हैं कि वो क्या है। सो फालसिम जो है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नाम है, जिसके अंदर एक फल्कन ए असेंबलर होता है और फल्कन ए सिमुलेटर होता है। ठीक है, सिमुलेटर होता है एक, उसके अंदर एक असेंबलर होता है और ये विंडो एक्सपी पे रन करती है। आपको बस ये बातें पता होनी चाहिए। फल्कन ए असेंबली फाइल जो है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, ये भी MCQ आता होता है। ये .asmfa से सेव होती है। और दूसरा, आपने सिमुलेटर की फाइल किस नाम से सेव होती है, तो उसकी जो है बाइनरी फाइल जो है वो .binfa एक्सटेंशन से सेव होती है। बस आपको यही बातें फालसिम के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी ये आपका इंट्रोडक्शन है इसको। लेक्चर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका पेज नंबर 17 है। तो पहले जो 16 पेज हैं वो सिर्फ फालसिम का इंट्रोडक्शन है। वो अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप उसको कंप्लीट रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और स्टार्ट इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन से किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है इन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे पास सम इंस्ट्रक्शंस के अंडर जो है वो ऑपरेट होती है और मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के फॉर्म में, फिर उसको प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजिटल कंप्यूटर के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQ के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम बताए हुए हैं कि केमिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसी तरह से कंप्यूटर का भी एक सिस्टम है और उसको भी डिज़ाइन किया जाता है। तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद इन्हें जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो मेन इसके एलिमेंट हैं। तो जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। तो ये क्वेश्चन आता होता है और MCQs में भी इसमें पूछा जाता है कि कौन से 3 जो है वो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो पहला मेमोरी है, दूसरा इनपुट और आउटपुट सिस्टम है, और तीसरा CPU है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इन तीनों के काम क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास मेमोरी, जो हमें तुम्हारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डाटा है, जो भी कुछ है वो हमारा सारा कुछ मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी सब सिस्टम में हमारे पास प्रोग्राम और डाटा स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है तमाम प्रोग्राम्स की और इंस्ट्रक्शंस की, वो हमारे पास CPU के अंदर हो रही होती है। और जो हम कम्युनिकेशन करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो हमारी IO डिवाइसेस से हो रही होती है, जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस है। ठीक है, तो ये 3 आपको मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए और इनकी वर्किंग पता होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिहाज से भी। उसके बाद यहाँ पर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाती है। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ बिल्डिंग और द मेथड ऑफ स्टाइलिंग अ बिल्डिंग, जो हमारे पास आर्किटेक्ट होता है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो हम वो बना रहे हैं, ठीक है, दैट अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड टू राइट अ करेक्ट प्रोग्राम फॉर दैट मशीन। सो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसको फर्स्ट जो है वो टर्म को 1964 में जो है वो यूज़ किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी डेफिनेशन आपको MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नहीं आता इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट में आ जाता है तो लॉन्ग में भी आ सकता है वैसे। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि दोनों के दरमियान में हम डिफरेंस कर पाएँ, लेकिन इन्होंने डिफरेंस करके आपको दिखाया है कि आर्किटेक्चर में जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर को दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन का सेट है, द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डाटा टाइप, IO मैकेनिज्म है, और मेमोरी एड्रेसिंग मोड है। ये 4 चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती हैं आर्किटेक्चर में। उसके बाद अदर हैंड पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेशनल यूनिट है कंप्यूटर के, जो इंटरकनेक्शन होते हैं जिनसे हम आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन को हम रियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल है, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल होती है। ये तो ये 4 इसके पॉइंट्स हैं और 3 इसके पॉइंट्स हैं। आपको ये पता होने चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर में ये 4 पॉइंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन की डेफिनेशन है, ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको डिज़ाइन की डेफिनेशन नहीं पूछते, पर देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइजिंग अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस टू मीट अ डिजायर नीड्स, उसको डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद है
कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट का जो नॉलेज है वो किस बेस पे है। तो देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु नो टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है कि कैसे कार को ड्राइव करना है, वो कार के यूज़र हैं, उनको पता है कि कार को कैसे ड्राइव करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको चलाना है, सब कुछ उन्हें पता होता है। इसी तरह से जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं दुनिया के अंदर, उनको भी पता होता है कि कंप्यूटर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से बनाना है और किस तरह से चलाना है, उनको सब कुछ पता होता है। जिन्हें आपको इस एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपके जो है वो शॉर्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो डिजिटल डिज़ाइन के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए, तो सबसे पहले ये तीन जो लेवल्स हैं उनको देखते हैं। प्रोसेस मेमोरी स्विच लेवल, जिसको PMS भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है MCQs में। इसके अलावा ये आपका हाईएस्ट प्रोसेस मेमोरी स्विच लेवल है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही होता है। और ये क्या करता है, इट्स सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी सिंपली एक डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होती है। बस आपने बस दो लाइनें याद रखनी है कि ये जो है वो हाईएस्ट लेवल है और फिर ये क्यों काम आता है, बस आपने दो बातें याद रखनी है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट लेवल है, अब ये नेक्स्ट है, यानी कि इसके बाद वाला। और ये क्या करता है कि हर इंस्ट्रक्शन का फंक्शन डिफाइन करता है बस। उसके बाद रजिस्टर ट्रांसफर लेवल क्या है, अब ये जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है जो हमें विजिबल होता है इस लेवल पर, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर हैं, डिकोडर्स हैं, बसेस हैं, बफर हैं, ये सारे रजिस्टर ट्रांसफर लेवल की एग्जांपल्स हैं। तो ये भी MCQs में पूछी जाती हैं कि रजिस्टर ट्रांसफर लेवल की एग्जांपल्स बता दें, तो मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, बसेस और बफर हैं, और इन तीनों को कम्बाइनली जो है वो सिस्टम डिज़ाइन भी कहा जाता है। उसके बाद है जी लॉजिक डिज़ाइन लेवल। लॉजिक डिज़ाइन लेवल को हम गेट लेवल भी कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंट गेट्स होते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, हम फ्लिप फ्लॉप्स को आगे भी देखेंगे। और इनका जो बिहेवियर होता है वो लेस विजिबल होता है, फ्लिप फ्लॉप हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो बैक एंड पे होते हैं। उसके बाद सर्किट लेवल है। सर्किट लेवल जो है वो हमारे पास, उसके अंदर रजिस्टर, ट्रांसिस्टर्स, कैपेसिटर और डायोड्स होते हैं। ये भी MCQs काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये चारों कंपोनेंट जो है वो सर्किट लेवल के हैं। उसके बाद मास्क लेवल जो है वो सबसे लोएस्ट है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सो जो लोएस्ट है वो मास्क लेवल है हमारे पास, और ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये हमारे पास सर्किट डिज़ाइन है, मास्क लेवल, सर्किट लेवल और लॉजिकल डिज़ाइन लेवल। ये तीनों लेवल्स हमारे पास सर्किट डिज़ाइन है और ऊपर वाले तीन हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन है। तो सिस्टम डिज़ाइन कौन से तीन है, ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि सिस्टम डिज़ाइन बताएं, या फिर आपसे ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि सर्किट डिज़ाइन बताएं, या फिर इन्हीं छः को मिलाकर लॉन्ग बन सकता है। और अगर शॉर्ट लॉन्ग ना बना तो MCQ ज़रूर बनेगा। तो ये आपने अच्छे से एक दफ़ा रीड करना है अपने हैंड आउट से, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स का कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है द यूज़र व्यू। ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि यूज़र व्यू और प्रोग्रामर व्यू को डिफरेंशिएट करें। तो यूज़र व्यू क्या है, यूज़र एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए मशीन को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, जो डिफरेंट यूज़फुल उसके अंदर टास्क परफॉर्म करेगा, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जैसे एक PDF रीडर बनाया गया है, तो यूज़र जो है उस PDF रीडर को इस्तेमाल करेगा। वो यूज़र को दिमाग में रख के बनाया होता है कि PDF रीडर में जो है वो बुक्स को रीड करेगा, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास हाईलाइटर है, टाइपराइटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस PDF को रीडर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको यूज़र इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे इन्होंने आपको गेम की एग्जांपल भी दी हुई है कि चिल्ड्रन जो है वो कंप्यूटर पे गेम्स प्ले करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक वो जो है वो यूज़र्स होते हैं, ठीक है। और यूज़र्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना, वो परफॉर्मेंस होती है। ये भी आपने याद रखना है कि यूज़र जो है वो डिटेल ऑफ कंप्यूटर पे नहीं जाते ना, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है गेम की। अब जैसे हम ये PDF यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसके पीछे क्या वर्किंग है, हम कैसे इस पर काम करें, हम इसकी परफॉर्मेंस पर जाएंगे। अगर ये अच्छा काम करता है हम इसको यूज़ करेंगे, अगर ये बार बार स्टॉप होता है, स्टक होता है, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो हम इसको डिलीट करेंगे और नया डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यूज़र हम हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामर व्यू। अब प्रोग्रामर्स व्यू क्या है, प्रोग्रामर्स व्यू वो लोग होते हैं जो सिंपली मशीन या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है। तो द मशीन और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वेरियस कमांड और सीक्वेंस ऑफ कमांड, ठीक है। जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, जो भी है, उनका प्रोग्रामिंग करें। जैसे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी PDF, इसके पीछे जो है प्रोग्रामिंग जो की होगी वो प्रोग्रामर को ही पता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को या मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर को ही पता है कि वो कौन सी कोडिंग है इसकी बिहाइंड जो चल रही है, जिसकी वजह से ये वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसको पता है कि जब मैं हाईलाइट पर क्लिक करूँगी तो मेरा हाईलाइटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन, जैसे कि 0-1 की फॉर्म सिंपल, वो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये वाला आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन नहीं आता कि मशीन लैंग्वेज क्या है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ऑल पॉसिबल मशीन लैंग्वेज कमांड जितने भी होते हैं ना, उनकी कलेक्शन को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि देर आर
थ्री वेज टू लिस्ट इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन सेट, कैसे बाय फंक्शन, बाय अल्फाबेटिकली ऑर्डर और बाय असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को आपको बताया कि वो क्या है। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इंग्लिश वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम न्यूमोनिक्स भी कहते हैं, जैसे कि मूव है, ऐड है, जंप है, ये सब हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो जो प्योर असेंबली लैंग्वेज होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हर जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली वन मशीन इंस्ट्रक्शन करती है। यानी कि अगर आप मूव, यहाँ पर आपको ने एग्जांपल से समझाया हुआ है कि अगर मूव सी एक्स और डी एक्स है तो उसका मतलब है कि डी एक्स को सी एक्स में मूव कर दें, ठीक है, ऐड है यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर दें डी एक्स को सी एक्स में। यहाँ पर ये वाला मूव है, इसमें क्या है, 34H को AL X में मूव कर दें। तो ये देखिए मूव और ऐड सिर्फ एक एक काम करेंगे, यानी कि ये एक ही मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और एक ही काम कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज के यूज़र कौन से होते हैं, ये सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि मशीन डिज़ाइनर, कंपाइलर, राइटर, द राइटर ऑफ टाइम और स्पेस, क्रिटिकल कोड, स्पेशल पर्पस और एम्बेडेड प्रोसेस प्रोग्रामर, ये सारे होते हैं। और उसके बाद यूज़फुल टूल कौन से असेंबली लैंग्वेज के, असेंबलर है। असेंबलर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होते हैं उनको हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी तो करना है। अब कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि मूव ए एक्स टू बी एक्स, तो उसे क्या करना होगा, हमें एक असेंबलर चाहिए जो ट्रांसलेशन करेगा। अब असेंबलर जो है वो क्या करता है कि वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि 1-0 फॉर्म की कन्वर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके बाद लिंकर क्या है, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं सेम टाइम पे तो हम क्या करते हैं, हम उनके छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे और फिर उनको आपस में लिंक कर देते हैं, उसके लिए हमें लिंकर चाहिए होता है। उसके बाद डीबगर है, डीबगर को मॉनिटर भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है बहुत लेंथी होते हैं तो उनके अंदर मिस्टेक्स भी होती हैं, उन मिस्टेक्स को सेट करने के लिए हमें एक डीबगर चाहिए जो हमारी मिस्टेक्स को डीबग करे और हमें बताए कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो सेकंड नेम है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट सिस्टम में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, असेंबलर है, लिंकर, लोडर, डिबगर, कंपाइलर, एमुलेटर, हार्डवेयर लेवल डिबगर और लॉजिकल एनालाइजर है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स, ये भी आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं, वैसे कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनने बताया है कि जनरल ऑपरेशन ऑफ अ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ब्रॉट इनटू मेमोरी। सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मेमोरी में लाते हैं। अभी हमने देखा कि हमने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है वो मेमोरी में लाएंगे और उसके बाद उनकी इंस्ट्रक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है, यानी कि एक एक करके वो सारे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर जो है हमारे पास, जिसके प्रोग्राम काउंटर जो है वो पीसी से रिप्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो है वो अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, ये आपने याद रखना है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे हमने प्रोग्राम काउंटर पीसी बताया हुआ है कि ये इंक्रीमेंटेड बाय लेंथ है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज नॉट डिटरमाइंड इन द केस ऑफ रिस्क, ये भी एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दो डेफिनेशन है, प्रोसेस स्टेटस वर्ड, ये भी अक्सर आ जाता है शॉर्ट में, इसको देख लेते हैं कि क्या होता है कि इन केस ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन की केस में जो पीसी है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एड्रेस से जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, प्रेजेंट ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर नेक्स्ट एड्रेस होता है। तो जो करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस होगा उसको हम एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाएंगे, जो करंट स्टेटस प्रोसेसर होगा, ठीक है, उसको हम एक रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे और उस रजिस्टर का नाम होता है प्रोसेस स्टेटस वर्ड, ये आपने याद रखना है। उसके PSWB इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड इसका नाम है, ठीक है। और इसी ये एक फ्लैग रजिस्टर है, ये भी आपने याद रखना है, MCQs में आता है कि ये कौन सा रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर है। और क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आपने ये सिंपल से दो लाइनें लिख देनी है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक स्टेटस बिट होता है, एक कंट्रोल बिट होता है जो हमारे पास प्रोसेसर की स्टेट को बताता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं स्टेटस बिट की, साइन बिट है, ओवरफ्लो बिट है, दो बिट्स यहाँ पर इन्होंने बताई हैं कि वो आपकी स्टेटस बिट की एग्जांपल हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में आपको पूछ सकते हैं। तो उसके बाद एग्जांपल ऑफ कंट्रोल बिट की एग्जांपल जो है वो इंटरप्ट, इनेबल और फ्लैग है। तो ये देखें तीन पॉइंट्स है ना, तो कंट्रोल बिट्स के ये तीन पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंट्रोल बिट्स की एग्जांपल्स बता दें तीन, तो वो भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है कि वो कौन सी हैं, इंटरप्ट है, इनेबल है और फ्लैग है, ठीक है। उसके बाद फैच और एग्जीक्यूट क्या होता है, सबसे पहले तो डाटा फैच होता है, यानी कि उसको मेमोरी में लाया जाता है, मेमोरी में लाने को हम फैचिंग कहते हैं। उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन तमाम इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का बताया कि वो क्या है, कि प्रोग्रामर व्यू जो है वो लिमिटेड होता है टू द सेट ऑफ ऑल असेंबली इंस्ट्रक्शन और कमांड दैट कैन बी पर्टिकुलर कंप्यूटर एट हैंड एग्जीक्यूट अंडरस्टैंड। तो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको कंप्यूटर
आर्किटेक्ट्स का जो व्यू होता है वो क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स उन्हें बताए हैं। सबसे पहले तो वो जो है वो ISA को डिज़ाइन करता है। ISA भी हमने ऊपर देखा था क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको डिज़ाइन करने के बाद अब हार्डवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करने के कुछ टूल्स बनाए जाएंगे, उनको बेंचमार्क प्रोग्राम भी कहते हैं, जो वेरीफाई करें कि जो आपकी प्रोग्रामर है, जो आपका परफॉर्मेंस है ऑब्जेक्टिव की, वो डिज़ाइन को नीट कर रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्राइव टू मीट परफॉर्मेंस गोल, सॉफ्टवेयर मॉडल, सिमुलेटर, एमुलेटर, फिर परफॉर्मेंस बेंचमार्क प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड मेजरमेंट प्रोग्राम, डाटा फ्लो, बॉटलनेक एनालिसिस, सब सिस्टम बैलेंस एनालिसिस। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट व्यू जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को देखता है। कंप्यूटर आर्किटेक्ट जब वो कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाता है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को देखता है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास था द लॉजिकल डिज़ाइनर व्यू, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल डिज़ाइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मशीन के लॉजिकल गेट लेवल को डिज़ाइन करें, यानी कि अगर आपने एंड गेट डाला है, नोर गेट डाला है, नॉट गेट डाला है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट और लॉजिकल डिज़ाइनर दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है ताकि वो परफॉर्म मशीन की अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा कुछ टूल्स जो हमने दिए हुए हैं, सबसे पहले CAD टूल है आपके पास, लॉजिकल एनालाइजर है, ऑक्सिलोस्कोप है, हार्डवेयर डेवलपमेंट सिस्टम है। तो ये टूल्स आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, तो ये टूल आपको याद होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट और लॉजिक डिज़ाइनर दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि मशीन की परफॉर्मेंस को अच्छे से इन्हेंस किया जाए और उसकी कॉस्ट को जो है वो कम किया जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर लॉजिकल गेट इंप्लीमेंटेशन डोमेन कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी पहले डोमेन जो है वो VLSI है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑन सिलिकॉन, और फिर TTL है, यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ECL इमीटर कपल लॉजिक चिप। उसके बाद गैलेरियम आर्सेनाइड चिप है, और उसके बाद आपके पास PLA है, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे, और सीफ ऑफ गेट्स एरे। उसके बाद है फ्लूडिक लॉजिक और ऑप्टिकल स्विच। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी डोमेन्स हैं लॉजिक गेट की। ठीक है, ये लॉजिक गेट की ये सारी डोमेन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर आ जाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको बताया सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन को, जब हम किसी भी सिक्वेंस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो पहली प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, स्टेट डायग्राम की। यह MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है, तो वो स्टेट डायग्राम की पहली प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो रिडंडेंट स्टेट होती है उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, उसके बाद आपकी जो स्टेट डायग्राम है उसको नेक्स्ट स्टेट टेबल में जो है वो ट्रांसलेट कर दिया जाता है, और मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो चाहिए होते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप्स को भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपने पढ़ा होगा वैसे उसको। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन। अब इसके अंदर ये जो FSM है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अक्सर MCQs में आ जाती है, ट्रेडिशनल फिनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो सूटेबल नहीं होती कंप्यूटर लॉजिक को डिज़ाइन करने के लिए। सो इसमें कुछ सेपरेशन भी होती है डाटा पाथ की और कंट्रोल पाथ की, और कंट्रोल पाथ जो है हमारे पास सर्किटरी है जो हमारे पास डाटा पाथ इन्फॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करता है। तो ये MCQs के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो आज हमने लेक्चर 1 और 2 ही करना है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ मशीन्स दी हुई हैं, अब हम मशीन्स पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे 3 मशीन्स दी हुई हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन है, स्टैक बेस्ड मशीन है, और जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन है। इन तीनों मशीन्स को हम देखेंगे, और ये तीनों मशीन्स अक्सर आपको शॉर्ट लॉन्ग में पूछते हैं। अगर शॉर्ट लॉन्ग में नहीं पूछते तो MCQs तो ज़रूर पूछते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन कौन सी होती है? एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन के अंदर एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, और वो क्या करता है कि एक ऑपरेंड को होल्ड करता है। ठीक है, ऑपरेंड को होल्ड करता है, और इसके अलावा वो रिजल्ट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है उसको भी परफॉर्म कर रहा होता है। और एक्यूमुलेटर जो है वो एक ही ऑपरेंड को होल्ड करता है, जिसको हम वन एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वन एड्रेस मशीन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेंड होता है। तो अगर एक ही ऑपरेंड होगा तो हमें एक रजिस्टर भी चाहिए होगा। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट एड्रेस जो हमारे पास अलग अलग ऑपरेंड है, अगर हम कोई और ऑपरेंड रखते हैं तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें एक रजिस्टर भी चाहिए। तो एक्यूमुलेटर जो होता है उसके अंदर एड्रेस स्टोर नहीं होता। आपने याद रखना है कि एक्यूमुलेटर जो है वो एड्रेस को होल्ड नहीं करता। इसका भी दूसरा नाम वन एड्रेस मशीन है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद एक्यूमुलेटर मशीन जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर उसके अंदर होते हैं, और ये मशीन काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जब हमारे पास मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव होती है तो ये हमारे पास काफ़ी जो है वो यूज़फुल रहती हैं। तो एक रजिस्टर जो है इसके अंदर एक ही सोर्स ऑपरेंट को होल्ड करता है, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमारे पास स्टैक बेस मशीन है। स्टैक बेस मशीन जो होती है वो लाइफों को फॉलो करती है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं। सेम डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा स्टैक बेस स्टैक को, सिंपल वही हमारे पास यहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है कि आप सारे डाटा को एक दफ़ा स्टोर करवाते हैं, उसके बाद जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, यानी कि जिसको हमने सबसे आखिर में रखा था वो पहले ही बाहर आ जाएगा। बाहर करने के लिए उसको हमें बाहर निकालने के लिए पॉप ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, और वापस अंदर डालने के लिए डाटा को हम पुश ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इस मशीन को हम ज़ीरो एड्रेस मशीन भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि ज़ीरो एड्रेस मशीन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने आपको बताया कि ऑपरेंड को हम टॉप ऑफ द स्टैक से पिकअप करते हैं TOS से, उसके बाद हम रिजल्ट को TOS के एंड ऑपरेशन पे स्टोर कर देते हैं, इनकी पुश कर देते हैं। पुश का मतलब होता है कि न्यू हम उसके अंदर डिजिट्स और न्यू न्यूमेरिक्स और कुछ भी डाटा है हमारे पास वो हम न्यू डाटा उसके अंदर ऐड करते हैं, और पॉप से हम डाटा को आउट कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी जो मशीन है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन है। अब ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर जो सारे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर आर रिक्वायर्ड टू इंस्ट्रक्शन वर्ड हम यहाँ पे देखें, आप 64 इंस्ट्रक्शन जो हमें आपको बताया हुआ है कि 64 रजिस्टर होते हैं किसी के अंदर 32 होते हैं, किसी के अंदर कितने होते हैं, तो ये सारे हमारे पास छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। CPU रजिस्टर जो हमारे पास फास्टर होते हैं कैशे से, ये आपने याद रखना है, और रजिस्टर जो है बहुत ईजिली और इफेक्टिवली यूज़ हो जाते हैं कंपाइलर से। इसके अलावा रजिस्टर जो है वो वेरिएबल्स को भी होल्ड करते हैं और मेमोरी की ट्रैफिक को भी रिड्यूस करते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी बताए हैं रजिस्टर के, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस मशीन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। और एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, और कोड का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एंड पॉइंट ने बताया कि सबसे जो बेनिफिशियल है वो एक्युमुलेटर ही है। एक्युमुलेटर मशीन हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग मोर एफिशिएंट एज दिस कैन स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन विद इन अ CPU। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इन तीनों मशीन सबसे बेहतर मशीन कौन सी है, एक्युमुलेटर है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इन तीनों में से एक्युमुलेटर है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो हमारे पास ऑल पॉसिबल मशीन लैंग्वेज के कमांड होते हैं जो हम प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। ये पहले भी थी, इसकी डेफिनेशन सिंपल वही दोबारा इन्हें पूछी आपसे। उसके बाद ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपने देख लेनी है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, MCQs में आपको पूछी जा सकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर है वो हमारे पास ये है कि इंस्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन, एक तो 4 एड्रेस होता है, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस। इन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में भी आपसे शॉर्ट लॉन्ग पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनसे अगर शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता तो MCQs तो मस्ट आता है इसमें से, तो इसलिए इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। 4 एड्रेस के अंदर यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास 2 जो है वो सोर्स ऑपरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं, एक सोर्स ऑपरेंट और एक सोर्स ऑपरेंट, 2 हमारे पास सोर्स ऑपरेंट होते हैं इसके अंदर। एक हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए जो है एड्रेस स्टोर होता है यहाँ पर ऑपरेंट का, डेस्टिनेशन ऑपरेंट का, और फिर एक नेक्स्ट एड्रेस स्टोर होता है, यहाँ पर हमारा ओप कोड आ जाता है। ओप कोड सबके स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ओप कोड आ जाता है, और यहाँ पर एक डेस्टिनेशन, एक सोर्स, 2 सोर्स ऑपरेंट और एक नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करने वाला ऑपरेंट होता है, इसलिए ये मिलाकर 4 हो जाते हैं, इसलिए हम इसे 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास 2 ऑपरेंट हैं बिल्कुल सोर्स वाले, और डेस्टिनेशन है, और ओपकोड उस तरह से आ गया। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट एड्रेस है ना जो स्टोर करते हैं वो नहीं है, वो आपने याद रखनी है चीज़ें कि नेक्स्ट एड्रेस जो है वो इसमें था, इसमें अब उसको हमने हटा दिए, इस वाले को यहाँ से हमने हटा कर अब ये वाला बन गया। अब 2 एड्रेस में बात करते हैं, 2 एड्रेस में क्या होगा, अब सोर्स एक ही रह जाएगा, अब दूसरा सोर्स भी हमने हटा दिया इसके अंदर, क्योंकि 2 ही की जगह है, तो एक डेस्टिनेशन सोर्स 1 है हमारे पास और एक हमारे पास सोर्स 2 है, और ओपकोड उसी तरह से आ जाता है। उसके बाद 1 एड्रेस है, 1 एड्रेस के अंदर हमारे पास सिर्फ सोर्स ऑपरेंट बाकी रह जाएगा, और ये एक्युमुलेटर की ही एग्जांपल है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है वो ये कौन सा रजिस्टर है, एक्युमुलेटर है, जो एक ही ऑपरेंट को होल्ड करता है, और उसके बाद रिजल्ट को होल्ड करवाने के लिए हम इसका एक्स्ट्रा रजिस्टर को अटैच करते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है कि ये स्टैक को इस्तेमाल करता है ऑपरेंट को होल्ड करने के लिए और रिजल्ट को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ऑपरेंट और रिजल्ट दोनों को होल्ड करने के लिए ये स्टैक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ ऑफ कोड है और इसके पास कुछ भी नहीं है जिसमें ये कुछ स्टोर करे, तो ये स्टैक का इस्तेमाल करता है। और ऑपरेशन जो इसके अंदर जो है स्टैक के टॉप पर परफॉर्म होते हैं, और जो सेकेंड वैल्यू होती है स्टैक के अंदर, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो स्टैक के टॉप पर ही सेव होता है, और टॉप पर ही सारा काम हो रहा होता है। रिजल्ट भी टॉप पे स्टोर होता है और हमारे पास ऑपरेंट भी टॉप पे स्टोर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की कंपैरिजन बताएं, अभी हमने जो 4 पढ़े हैं उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। 2 पैरामीटर इनको डिफर करते हैं, पहला तो है कोड साइज और दूसरा है नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोड साइज जो है हमारे पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द इंस्ट्रक्शन, द ग्रेटर द कोड साइज द लार्जर द मेमोरी रिक्वायर्ड। जितना बड़ा आपका कोड का साइज होगा उतनी ही आपको मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एक्सेस क्या है, मेमोरी एक्सेस जो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम पर बहुत इफेक्ट करती है, अगर आपकी
मेमोरी एक्सेस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप इसलिए काफ़ी स्लो हो जाएगा क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन दी हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद यहाँ पर आप देखें दोबारा उसी को उन चारों एड्रेस को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका कोड साइज 13 होता है। और यहाँ पर मैंने इस डायग्राम दोबारा बनाई है, आप देखें ऑप कोड के अंदर एक बाइट स्टोर हो जाएगा, डेस्टिनेशन के अंदर 3 बाइट, सोर्स के अंदर 3 बाइट, दूसरे सोर्स ऑपरेंड के अंदर भी 3 बाइट स्टोर होते हैं और नेक्स्ट एड्रेस के अंदर भी 3 बाइट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 13 बाइट्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि टोटल बाइट्स कितने हैं और कितने कितने किस किस बॉक्स में जाते हैं, ये आपने यहाँ से याद रखना है। 3 एड्रेस में भी सेम वही केस है हमारे पास, ऑप कोड के लिए हमेशा 1 ही बाइट होता है, डेस्टिनेशन के लिए 3 बाइट्स, सोर्स के लिए 3 बाइट और फिर हमारे पास सोर्स टू के लिए भी 3 बाइट्स। तो ये सब इनके लिए 3 3 बाइट्स हैं, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 बाइट्स 3 बाइट्स और फिर हमारे पास इसके लिए 1 बाइट होगा। आप देख लें कि 2 एड्रेस है तो इसका मतलब है कि 2 ही इसके अंदर होंगे, 2 ही होंगे, तो 3 3 दोनों में होते हैं तो 3 और 3 6 हो गए और 1 हमारे पास ओप कोड के लिए हमेशा 1 ही होता है तो वो 7 होंगे। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद 1 एड्रेस है, 1 एड्रेस मतलब एक ही सोर्स होगा तो मतलब 3 और 1 ओप कोड के लिए होगा, मतलब कुल मिला के ये 4 बाइट्स हो गई हैं। उसके बाद 01 है, 01 के लिए 1 ही बाइट होगा क्योंकि हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ ओप कोड है तो उसके लिए सिर्फ 1 ही बाइट होगा। अगर आपको पीछे वाले जो डायग्राम से वो अंडरस्टैंड हो गई हैं तो आपको यहाँ आराम से आप बता सकते हैं, जितने भी सोर्स ऑपरेंट हैं, डेस्टिनेशन ऑपरेंट हैं या फिर एड्रेस वाले हैं वो 3 3 बाइट्स लेते हैं और ओप कोड 1 बाइट लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाफ एड्रेस की डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर पेपर में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू मेमोरी एड्रेस, इसके लिए कम एड्रेस जो है वो चाहिए होते हैं तो इस एड्रेस को हम हाफ एड्रेस भी कहते हैं। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई 1 मेमोरी एड्रेस एंड 1 CPU रजिस्टर, 1 मेमोरी एड्रेस 1 CPU रजिस्टर को ये स्पेसिफाई करती है, इसको हम हाफ एड्रेस कहते हैं। और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल के साथ आपने इसको करना है प्रिपेयर, शॉर्ट में आपसे ज़रूर पूछेंगे इसको या फिर आपसे ये MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये इनकी एग्जाम्पल ने बताई हुई है कि 0 मेमोरी एड्रेस अभी हमने पढ़ा उसकी कौन कौन सी, उसके अंदर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आप देखें। स्पार्क्स हमारे पास है, MIPS है, पावर PC है और अल्फ़ा है, ये 0 मेमोरी एड्रेस लेते हैं और मैक्स ऑपरेंड इसके अंदर 3 ही अलाउ होते हैं, ये आपने याद रखना है MCQs के लिए। X86 है और 68X सीरीज़ है, इसके अंदर 1 ही मेमोरी एड्रेस होता है और मैक्स जो ऑपरेंड होते हैं वो 2 ही होते हैं इसके अंदर। उसके बाद है लोड और स्टोर मशीन, लोड और स्टोर मशीन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारी हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं, ये बहुत आसान है कि ये जो मशीन होती हैं रजिस्टर टू रजिस्टर होती हैं और हाफ एड्रेस इनके अंदर टिपिकली होता है। पहले तो ये जो है वो इंस्ट्रक्शन को लोड करती हैं और उसके बाद इसको मेमोरी में स्टोर करवा देती हैं, यानी कि डाटा को फेच करती हैं फिर एग्जीक्यूट करती हैं। इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होते हैं और उनकी एक लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, अगर 3 ऑपरेंड इस्तेमाल करें तो 3 3 बाइट लिखें तो 9 बाइट्स फिक्स है। उसके बाद कोड जनरेशन मॉडल उसका बहुत सिंपल है, इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लॉक साइकिल जो है वो सिमिलर लेती हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो इंस्ट्रक्शन काउंट है वो हायर है और इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ है वो फिक्स है, यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा डालना हो तो आप नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी है कि 3 ऑपरेंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद रजिस्टर टू मेमोरी है, यानी कि अब आपने रजिस्टर से मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है डाटा, तो इसके लिए आप जो है वो 1 और हाफ जो है वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 और हाफ दोनों को इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। इसके एडवांटेज क्या है, जो ऑपरेंड्स होते हैं मेमोरी के अंदर उनकी एक्सेस जो है वो काफ़ी हमें आराम से मिल जाती है, उनको ज़्यादा लोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने रजिस्टर से मेमोरी में स्टोर करवा दी है, तो अब हम मेमोरी से आसानी से ले लेंगे। उसके बाद इसकी इनकोडिंग भी आसान हो गई है और इंस्ट्रक्शन का जो यूजेज है वो भी काफ़ी आसान हो गया है, बेटर हो गया है। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है कि ऑपरेंड जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होते और डिफरेंट साइज़ जो है वो कोडिंग का मेमोरी में हमें मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका ये दो डिसएडवांटेज है। उसके बाद मेमोरी से मेमोरी, इनके अब मेमोरी से हम मेमोरी में जो है वो स्टोर करवा रहे हैं अपने ऑपरेंड्स को। इसके एडवांटेज क्या है, मेमोरी टू मेमोरी इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन कोडिंग वेस्टेज इज मिनिमल, इसमें अब कोडिंग का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मेमोरी से मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन जा रही है, ऑपरेंड जो है वो आराम से फैच हो जाएंगी स्टोर मेमोरी डायरेक्टली और CPU रजिस्टर को वेस्ट नहीं होगा उसका स्टोरेज और उसका टाइम भी। डिसएडवांटेज क्या है, इसका इंस्ट्रक्शन साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है, लार्ज वेरिएशन इंस्ट्रक्शन साइज मेक कोड कम्प्लेक्स, अब कोड आपका कम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि वो उसका इंस्ट्रक्शन का साइज़ फिक्स ही नहीं है। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जो है ये वो वेरी कर रहे हैं, उनका भी साइज़ फिक्स नहीं है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन उनका साइकिल्स डिफरेंट डिफरेंट है और मेमोरी का जो एक्सेस है वो भी स्लो हो गया है। तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज और 2 एडवांटेज है, इन सारे जो है आपको जो दिए हुए इन सारों के आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखने हैं। ये आपके पास लोड एंड स्टोर मशीन्स हैं, जैसे हमने पिछली 3 मशीन्स पढ़ी थी, इस तरह से ये अब लोड एंड स्टोर मशीन्स हैं, इनका आपको बस एक लाइन का पता होना चाहिए कि इसमें ये क्या स्टोर हो रहा है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है।
उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन को कुछ डिफाइन किया कि डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा स्टोरेज है, डाटा मूवमेंट है और प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल है। ये चार पॉइंट्स बस आपको याद होने चाहिए, इनकी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एड्रेस मोड। एड्रेस मोड जो है वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू जरूर आता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। LDA 1 2 3 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 को जो है वो एक ऑपरेंट है, इसको आप एक्युमुलेटर में लोड कर दें। ए हमारे पास एक्युमुलेटर है, LD का मतलब है लोड, यानी कि ए एक्युमुलेटर के अंदर 1 2 3 को लोड कर दें, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस में क्या हो रहा है कि LDA अब ब्रैकेट में 1 2 3, यानी कि आपने 1 2 3 की जगह जाना है, उसके एड्रेस पे जाना है। क्या पड़ा हुआ है उसके एड्रेस पे? हमारे पास 456 पड़ा हुआ है, तो 456 को एक्युमुलेटर में लोड करना होगा, 1 2 3 को नहीं। आपने याद रखना है कि ब्रैकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एड्रेस है, अब ये जगह वो नहीं है, इसके एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है उसको जाके आपने एक्युमुलेटर में स्टोर करवा देना है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सेस मोड कौन सा है हमारे पास, ये भी आपने याद रखना है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ये भी एमसीक्यू आता होता है। अब लोड वही वाला है लेकिन अब डबल ब्रैकेट से, यानी कि अब आपने 1 2 3 की जगह जाना है, उसकी जगह 456 पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं स्टोर करवाना, बल्कि 456 की जगह जाना है, यहाँ पे उसकी जगह क्या पड़ा हुआ है, उसकी जगह भी 456 पड़ा है, यहाँ पे कुछ और भी पड़ा हो सकता है, इसको अब लोड करके लेकर आओ एक्युमुलेटर के अंदर, ये इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या हो रहा है, रजिस्टर में हम स्टोर करवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि रजिस्टर 2 के अंदर जो है वो रजिस्टर 2 से जितना भी डाटा है उसको फेच करो कि ले आओ और उसको एक्युमुलेटर ए के अंदर स्टोर करवा दो। उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, अब हमारे पास वही ब्रैकेट्स आ गए, यानी कि उस रजिस्टर के एड्रेस पे जाना है आपको, उस रजिस्टर के एड्रेस पे आप जाएंगे और वहाँ से जाके जो डाटा पड़ा होगा उसको आपने एक्युमुलेटर ए के अंदर लोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले तो रजिस्टर R1 में 8 को प्लस करना है, 8 को प्लस करने के बाद उसको एक्युमुलेटर ए के अंदर लोड कर देना है, ठीक है। एक्युमुलेटर ए के अंदर उसको लोड करवा देना है, पहले रजिस्टर R1 में आपने 8 को प्लस करना है। रिलेटिव एड्रेस मोड क्या होता है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, जंप 4, बस 4 से जंप करना है, ये तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद रिस्क और सिस्क के बारे में आपको यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, और INC शॉर्ट फॉर्म्स में भी इनसे MCQs पूछ लेते हैं आपको कि इनकी फुल फॉर्म को डिफाइन करें। तो रिस्क क्या है हमारे पास, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो द अंडरलाइन आइडियाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इसमें हम रिड्यूस कर रहे होते हैं कम्प्लेक्सिटीज को, हम कम से कम करते हैं। इसके जो कॉमन फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक इसके अंदर आती है क्योंकि हम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन का साइज हम फिक्स रखते हैं, अगर 32 बिट है तो वो 32 बिट ही रहेगा, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। CPU एक्सेस मेमोरी ओनली फॉर अ लोड एंड स्टोर ऑपरेशन के लिए आपको CPU की मेमोरी मिलेगी, अदरवाइज किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं मिलेगी। सिंपल और फ्यू एड्रेसिंग मोड इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल नहीं होते इसके अंदर। उसके बाद लेस वर्क पर इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन में काम थोड़ा किया जाता है। यूजेस को डिले स्लोट से इंप्रूव किया गया है, एफिशिएंसी यूजेज और प्री फेचिंग को जो है वो इंप्रूव किया गया है इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, ये आपको पता होना चाहिए। और अब सिस्क है, ये कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, अब यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ गया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मोर वर्क पर इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए होगा, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड आपको चाहिए होंगे, उसके ऑपोजिट है, उसका उलट है ये, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस आता है। उसमें हमने देखा था कि ज़्यादा वर्क नहीं होता पर इंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा वर्क हो रहा है पर इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर एड्रेस मोड थोड़े थे, इसके अंदर ज़्यादा है। वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो पर इंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा होता था। सिस्क मशीन जो है वो रिड्यूस सीमेंटिंग गैप को रिड्यूस करने के लिए स्पेशली बनाई गई हैं। सीमेंटिंग गैप क्या होता है, ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन सेट और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान का डिफरेंस होता है। उसके बाद क्लॉक जो है वो कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते जबकि रिस्क में हम कर सकते थे, ये एक हो गया डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड, डिले ऑपरेंड फेच फ्रॉम मेमोरी, इसको वो डिले कर देता है, और एफिशिएंट बनाने के लिए ये टेक्निक काफ़ी स्पीड अप टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है, यानी कि डिफिकल्ट टू मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पीड अप टेक्निक्स को, उसका अच्छा इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये इसके दरमियान में कुछ डिफरेंस थे। रिस्क और सिस्क का डिफरेंस भी आपको पेपर में अक्सर आ जाता है, या फिर रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, सिस्क की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको MCQs में पूछते हैं। उसके बाद ये लास्ट हमारे पास एक टॉपिक है इसका, और ये हमारे पास स्पीड अप की कुछ टेक्निक्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती हैं। स्पीडअप की कुछ टेक्निक्स हैं पाइपलाइनिंग, इनको आगे आपकी बुक में इतना डिफाइन नहीं किया हुआ, आपको सिर्फ नाम यहाँ से आप याद कर लें। पाइपलाइनिंग है, प्रीफेचिंग है, सुपर स्केलर ऑपरेशन है, और हमारे पास स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन है हमारे पास, ठीक है। स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन, ये चार इसके हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये चार टेक्निक्स आपने एज इट इज़ याद रखनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। होप्सो कि आपको ये समझ आए होंगे। ये दोनों लेक्चर थोड़े से लेंथी थे और थोड़े से इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि इन्हीं दो लेक्चर से आपका पेपर काफ़ी सारा आता है। इस वजह से मैंने इन पर थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा आपका पेपर आता है और अक्सर शॉर्ट और लॉन्ग भी यहीं से बनाए जाते हैं। तो अगर आप ये दो लेक्चर अच्छे से कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाए, क्योंकि आपने मिड में एक ही लॉन्ग अटैम्प्ट करना है। अगर आपका जो स्ट्रेटजी है वो पिछली वाले रखी जाए तो एक ही लॉन्ग और एक ही शॉर्ट आपने करना होगा। और MCQs भी मैंने आपको साथ साथ बताएंगे कौन से MCQs हैं जो हर बार आपको आते हैं और कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, जो कोई भी बात है जो आपको समझ नहीं आई या कहीं से भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।